नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम कर लिया। अल्काराज ने फाइनल में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को करारी शिकस्त दी। उन्होंने जोकोविच को पांचवें सेट में हराकर अपना पहला विंबलडन का खिताब जीता है और इसके साथ ही अल्काराज ने विंबलडन में 34 मैचों से चले आ रहे नोवाक जोकोविच के अश्वमेधी अभियान में नकेल कसते हुए 5 सेटों के बेहद रोमांचक फाइनल में जीत दर्ज करते हुए अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। तो कौन है टेनिस के ये नए बादशाह अल्काराज, यही जानेंगे इस वीडियो में। असल में अल्काराज एक स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल में अल्काराज मौजूदा वक्त के नंबर वन खिलाड़ी हैं। उन्होंने इससे पहले 19 साल की उम्र में US ओपन का खिताब भी जीता था। 5 मई 2003 को जन्मे अल्काराज स्पेन के गांव एल पलमार के मूल निवासी हैं। अल्काराज ने टेनिस स्किल अपने पिता द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनिंग फैसिलिटी से हासिल की। उन्होंने कई स्पेनिश और यूरोपियन चैंपियनशिप जीती हैं। अल्काराज ने अपना पहला ATP मैच रामोस विनोलास के खिलाफ जीता था जब वो करीब 16 साल के थे। दुनिया के पूर्व नंबर वन खिलाड़ी जुआन कार्लोस फरेरो उनके ट्रेनर रह चुके हैं। फरेरो 15 साल की उम्र से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। अल्काराज ATP में नंबर वन की रैंकिंग पाने वाले चौथे स्पेनिश खिलाड़ी हैं। इससे पहले नडाल, कार्लोस मोया और उनके मेंटर जुआन कार्लोस फरेरो ये रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को ATP के गेम में हराया हो, बल्कि इससे पहले मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में भी वो जोकोविच को शिकस्त दे चुके हैं। अल्काराज और जोकोविच के बीच कुल 3 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें अल्काराज 2-1 से आगे हैं। अल्काराज 2021 में US ओपन में ओपन एरा में सबसे कम उम्र के पुरुषों के क्वार्टर फाइनलिस्ट भी बने थे। वो 2022 में राफेल नडाल और जोकोविच को हराने वाले पहले टीनेजर थे। अल्काराज ATP में नंबर वन की रैंकिंग हासिल करने वाले भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। तो ये थी विंबलडन खिताब अपने नाम करने वाले टेनिस के नए शहंशाह अल्काराज से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।